बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का चैप्टर 3.2। चैप्टर का नाम है बहुपद। बहुपद में पहला सवाल इसमें है विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके fx dx से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। fx का मान इसमें है fx इक्वल टू है 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। फिर gx का मान है gx इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इसमें इसका भाग देना है। तो देखना भाग कैसे देंगे, इसको जमाऊंगा क्रम से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसका भाग देना है 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। इसको करने के लिए पहले यहाँ रब कार्य करेंगे। रब कार्य में पहले पद का भाग देंगे, 3x क्यूब में भाग देंगे एक्स स्क्वायर का, इससे कटेगा एक्स बार। 3x को गुणा करेंगे जिसका भाग दे रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से। गुणा करने पर 3x क्यूब 6x स्क्वायर प्लस 3x, इसको यहाँ जमा देंगे 3x क्यूब 6x स्क्वायर प्लस 3x। अब यहाँ से चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस 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 कट जाएगा, ये बचेगा माइनस का 5x स्क्वायर, ये बचेगा माइनस 6 प्लस 5। जैसा हमने ऊपर किया है वही यहाँ करेंगे, पहले पद का भाग देंगे, माइनस 5x स्क्वायर में भाग देंगे एक्स स्क्वायर का, इससे कट जाएगा माइनस 5 बचेगा। देखिए यहाँ भाग देने पर आया था 3x, यहाँ भाग देने पर आ रहा है माइनस 5। इस माइनस 5 को गुणा करेंगे इससे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, गुणा करने पर आएगा माइनस 5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। इसको लिख देंगे माइनस 5x स्क्वायर माइनस 6 प्लस माइनस 10x माइनस 10x और माइनस का 9, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो कट गया यहाँ पर ये 9x और प्लस 10। तो देखना भागफल आ गया अपने पास, भागफल है 3x माइनस 5 और शेषफल आ गया, शेषफल है 9x प्लस 10। ये हो गया आपके 3.2 का पहला सवाल। ऐसे ही बाकी 3 सवाल कर लेंगे। अब मैं कराऊंगा आपको सवाल नंबर दूसरा। देखना क्या है दूसरे का फर्स्ट। इसमें लिखा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके ये बताना है कि पहला बहुपद दूसरे का गुणनखंड है या नहीं है। तो मैं लिखता हूँ gx का मान है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। फिर fx का मान है fx इक्वल टू 3x4 प्लस 5x क्यूब फिर माइनस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। 3x4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसमें इसका भाग देना है, तो मैं भाग दूंगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का, इसमें भाग देंगे 3x4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 में। अब यहाँ रब कार्य करना पड़ेगा। रब कार्य है पहले पद का भाग देंगे, 3x4 में भाग देंगे x स्क्वायर का,
इससे कटेगा एक्स स्क्वायर बार, थ्री एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसको गुणा करेंगे इससे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, ये आएगा थ्री एक्स फोर, इसको इससे गुणा किया नाइन एक्स क्यूब, वन से गुणा करेंगे थ्री एक्स स्क्वायर, इसको यहाँ लिख देंगे थ्री एक्स फोर प्लस नाइन एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, चिन्ह बदलेंगे प्लस का माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, माइनस का चार एक्स क्यूब बचेगा, जुड़ेगा तो माइनस टेन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू, जैसा कि यहाँ किया है वैसा यहाँ करेंगे। पहले पद में पहले पद का भाग देंगे, माइनस फोर एक्स क्यूब भाग देंगे एक्स स्क्वायर का, एक्स बार कटेगा माइनस फोर एक्स, गुणा करेंगे वही एक्स स्क्वायर थ्री एक्स प्लस वन से, तो गुणा जाएगा माइनस फोर एक्स क्यूब माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर, माइनस का फोर एक्स, इसको जमाएंगे नीचे माइनस फोर एक्स क्यूब माइनस बारह एक्स स्क्वायर और माइनस के फोर एक्स, माइनस का प्लस माइनस का प्लस माइनस का प्लस, ये कट जाएगा माइनस का, यहाँ बचेगा दो एक्स स्क्वायर, यहाँ छः एक्स प्लस दो। अब यहाँ भी ऐसे करेंगे, पहले पद में पहले पद का दो एक्स स्क्वायर भाग दिया एक्स स्क्वायर का, ये कटेगा दो बार, पहले भाग देने पर अपने पास आ रहा है थ्री एक्स स्क्वायर, दूसरा भाग देने पर अपने पास आ रहा है माइनस फोर एक्स, तीसरा भाग देने पर अपने पास आ रहा है दो, दो से गुणा करेंगे दो एक्स स्क्वायर, दो से गुणा करो छः एक्स, दो से गुणा करो दो, प्लस का माइनस प्लस का माइनस, कट जाएगा तो जीरो आ जाएगा। तो यहाँ देखना शेष फल क्या आ रहा है, जीरो। अतः पहला बहुपद दूसरे का एक गुणनखंड होगा, पहला बहुपद दूसरे का एक गुणनखंड होगा। इसी प्रकार दूसरे के भी आप सारे सवाल कर सकते हैं। तो बच्चों मैंने आपको बताया है पहले सवाल में चार सवाल है, चार से करा दिया, बाकी सवाल भी सेम ऐसे ही। दूसरे सवाल में तीन सवाल है, तीन में से मैंने आपको एक करा दिया, बाकी सवाल भी होते हुए। तो आप इस प्रश्नावली में यानी 3.2 में मैंने आपको दो सवाल कराए हैं, बाकी तीन और दो पांच सवाल आपको करने हैं, पहले के भी और दूसरे के भी। ठीक है बच्चों, करना आप।